क्या हाल है मेरे टेस्ट पार्टनर, स्वागत है आपका मेरे टेस्ट पार्टनर में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज मैं आपको ऐसी खास जगह लेके आया हूँ ना, आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे आपको अंदर अक्षय कुमार मिलने वाले, वो अपने वेलकम मूवी वाले घुंघरू सेठ याद है उस मूवी के, वो भी मिलने वाले हैं। और यार अपने वो फेवरेट मिस्टर जेठालाल गड़ा भी मिलेंगे आपको अंदर। पर वो मीम साहब देखा है ना, टपा टप टपा टप, उनसे भी मिलवाऊंगा मैं आपको। तो ऐसी कौन सी खास जगह है जो सारे आपको अंदर मिलने वाले हैं? चार दिखा दे, मैं आया हूँ आज द मीम्स स्टोरी। हम वीडियोस में इंस्टाग्राम जितने भी मीम्स यूज करते हैं ना, सब आपको अंदर मिलने वाले हैं। चलिए आइए अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर कितना बढ़िया लोकेशन है। तो ये देख गाइस, हम अंदर आ गए हैं। यहाँ का इंटीरियर देखिए, कैफे कितना अच्छा लग रहा है अंदर से। आपको एक बार तो पता ही है कि जहाँ पे इंटीरियर जो अंदर की जो लुक्स होती है कैफे भी, किसी की भी कैफे रेस्टोरेंट की, यहाँ बहुत बढ़िया, तो खाने का जो टेस्ट होता है और बढ़िया आ जाता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो देखिए जो इनकी थीम है मीम्स वाली, वो इन्होंने दीवारों पे अच्छे से दिखाई हुई है। एक साइड उन्होंने फ्रेम करा के लगाए हुए हैं, दूसरी साइड को अच्छे से प्रिंट किया हुआ है। देखिए है ना बढ़िया लुक, खाने का टेस्ट यहाँ पर बढ़िया आने वाला है। अभी देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा क्लोज लुक से। ये देखिए मीम्स, इन्होंने 21 दिन में पैसा डबल ही अक्षय कुमार को डाला गया। और कंट्रोल उदय और ये हमारे भाई साहब टपा टैप टपा टैप, है ना बढ़िया वाले, ये वाले याद है ना आपको, ये हमारे भाऊ हिंदुस्तानी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। और देखिए इस साइड भी बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने मीम्स जो है फ्रेम कराए हुए हैं। तो दोस्तों जरूर आइएगा यहाँ पे, मेरे को तो अंदर की जो इंटीरियर है और जो अंदर की लुक से बहुत ही बढ़िया लग रही है। और यहाँ पे बैठ के अच्छा एंजॉयमेंट भी होगा। और तो अभी हमारे साथ इस कैफे के ओनर हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम जतिन कुमार शर्मा है, ठीक है, और मैं यहाँ का ओनर हूँ द मीम्स स्टोरी कैफे का। तो ये आपने कैफे कब स्टार्ट किया था? मेरे को इसको ओपन करे हुए 5 मंथ्स हो गए, मैंने ये अराउंड दिसंबर मिड में स्टार्ट करा था। अच्छा, तो ये मीम स्टोरी है, मीम जो है आपको ये वाली थीम का आइडिया कैसे आया? अच्छा, मेरे को थीम का आइडिया इसलिए आया, लाइक मैं 1 ईयर से प्लान कर रहा था ये पूरा, ठीक है। तो मेरे माइंड में काफ़ी सारी थीम्स थी लाइक रिगार्डिंग टीवी शोज मूवीज, तो मेरे माइंड में ये था कि मेरे को ऐसी थीम पकड़नी चाहिए जो टाइमलेस हो, जो टाइम के साथ चेंज हो। मीम ऐसी चीज़ें जो भी चेंज की, तो जस्ट मैंने उसको माइंड में रख के उसको एग्जीक्यूट करा। और बाकी आगे रिस्पॉन्स अच्छा है, बाकी देखते हैं क्या 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 खास है आपके पास यहाँ पे मेन्यू में। मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ है, ठीक है। मेन्यू बेसिकली आपका कॉन्टीनेंटल और चाइनीज़ है, ठीक है। कॉन्टीनेंटल में हमारी काफ़ी सारी डिशेज है, आप हमारी क्लासिक चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, लाइक हमारा पिज़्ज़ा है घुंघरू सेठ, घुंघरू सेठ पिज़्ज़ा बेसिकली आपका मीम से रिलेटेड है। सेकंड आपका एक बर्गर है हमारा जेठा वेजी डिलाइट, ठीक है, जेठा वेजी डिलाइट आपको जेठा वेजी मिलवाएंगे। और अभी सैंडविच में हमारा एक मजनू बटाटा सैंडविच है। तो बेसिकली जो फूड है वो आपके मीम थीम से रिलेटेड है, ठीक है। और आप उनको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने के बाद मुझे रिव्यू बताइए आपको टेस्ट कैसा लगा। बिल्कुल, चलिए हम भी ट्राई करते हैं जो भैया ने बताया, घुंघरू सेठ पिज़्ज़ा और जेठा लाल वाला जो बर्गर है, हम भी ट्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और बताते हैं टेस्ट कैसा है। तो गाइस मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ जिन्होंने मुझे ये कैफ़े सजेस्ट किया था यहाँ पे आने के लिए। और ये तुषार के बड़े अच्छे दोस्त हैं, कैमरे के पीछे हैं अभी। हेलो हेलो भैया, मेरा नाम मोहित वर्मा है। आपका नाम क्या? रवि। तो आप पहले आए यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पे करीब 1 महीने से आ रहा हूँ। तो मुझे यहाँ का खाना अच्छा लगा, तो मैंने अपने दोस्त को सजेस्ट करा कि आपको यहाँ का ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ही एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया है मीमर्स कैफ़े। और अच्छा खाना लगा मुझे, यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसलिए सजेस्ट करा। क्या क्या ट्राई किया आपने? मैंने यहाँ पे पास्ता, चिली पनीर, फ्राइड राइस, काफ़ी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, पिज़्ज़ा और ओरियो शेक अभी यहाँ पे ट्राई कर ही रहे हैं आपके सामने। टेस्ट बढ़िया सबका? टेस्ट बहुत अच्छा है इनका और बहुत अच्छी जगह है। आपने भी ट्राई किया यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल। क्या अच्छा लगा उससे? मेरे को मोस्टली इसमें ज़्यादातर चीज़ें अच्छी लगी हैं, उसमें ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। तो गाइस जब तक हमारा ऑर्डर आता है, थोड़ा सा मेन्यू पे मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग मेन्यू है। देखिए द मीम्स स्टोरी और मेन्यू पे भी जो मीम्स इनकी थीम है वो है, स्विगी और जोमेटो पे भी अवेलेबल हैं ये। और अंदर भी इनके इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बहुत सारी मेन्यू में, जैसे जेठा वेजी डिलाइट, जेठा से मिलवाने वाले हैं अभी आपको हम। और ये भाऊ पे भी प्रिय भाई टपा टप टपा टप वाले, है ना भैया ना, तैयार ये हिंदुस्तानी भाव। ओके ओके ओके, अब आगे भी हम चलते हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी अच्छी लगी, चाहिए जो मैं आपको दिखाऊं। देखिए ये है मजनू बटाटा, और इसमें हम देखते हैं देखिए घुंघरू सेठ पिज़्ज़ा, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखिए पिज़्ज़ा भी और बहुत सारे हैं इनके पास, कितने सारे टाइप के पिज़्ज़ा हैं ये देखिए।
प्लेटर इनके पास चाइनीज प्लेटर कॉन्टिनेंटल प्लेटर काफ़ी अच्छे हैं। इस टाइम पे चाइनीज प्लेटर अवेलेबल नहीं है किसी रीज़न से इनके पास, तो वो हम फिर कभी ट्राई करेंगे। मोमोज भी हैं इनके पास काफ़ी टाइप्स के, और ये देखिए शेक्स और ड्रिंक्स भी काफ़ी सारे हैं। तो जी हमारा जो मेन्यू जो हमने ऑर्डर किया था और जो भैया ने सजेस्ट किया था वो सब आ गए हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा है और ये बर्गर है, और ये कौन सा पिज़्ज़ा और कौन सा बर्गर है मैं आपको आगे बताऊँगा। तो गाइस जो हमने मेन्यू में से इनके ऑर्डर किया था, बड़ी इंटरेस्टिंग मेन्यू था मैंने आपको दिखाया। तो इसमें से हमने क्या ऑर्डर किया मैं बताऊं, ये है मिस्टर जेठालाल, देखिए जेठालाल की तरह का मोटा बेटा है बिल्कुल, ये है जेठा डिलाइट चुप, चुप। और ये है जी घुंगरू सेठ पिज्जा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और ये है पेरी पेरी फ्राइज और ये ब्लू ओशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेन्यू था मैंने आपको बताया दिखाया था। टेस्ट चलिए चेक करते हैं कितना बढ़िया टेस्ट है इनका, उसके बाद आपको बताते हैं। ऊपर जो अंदर की टिक्की है बहुत ही क्रिस्पी है, टिक्की का टेस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बड़ा लाइट स्पाइसी है इसके अंदर, वो टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। जो बन की क्वालिटी है, बन की क्वालिटी काफी अच्छी है। ये बर्गर सिर्फ 60 रुपए का है और टेस्ट में सच्ची में बहुत बढ़िया। चलिए घुंगू से ट्राई करते हैं हम, ये देखो आज चलिए। पिज़्ज़ा के ऊपर जो ये अनियन है, कॉर्न है, ये ऑलिव्स भी हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इनका। और जो पिज़्ज़ा का जो ये बेस है देखिए अच्छा था, क्रिस्पी है, और जो क्वालिटी है बेस की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने काफ़ी जगह देखा जो एकदम से कुछ हिला देते हैं या बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ऐसा नहीं है। जितना पिज़्ज़ा में देखिए क्रंच होना चाहिए उतना इसके अंदर है। पिज़्ज़ा का टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है, चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, ऊपर जो मेयोनीज डाली है अच्छी क्वालिटी की है। और मैं आपको बताऊं ये जो पिज़्ज़ा है ये मीडियम साइज पिज़्ज़ा है, और ये है पेरी पेरी फ्राइज। यार तुषार ही अच्छे हैं भाई, पकड़ दे। कैसे हैं भाई पेरी पेरी फ्राइज में? जो पेरी पेरी मसाला है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का भाई, बहुत बढ़िया। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अच्छे से पेरी पेरी मसाला डाला हुआ है, मेयोनीज दिए ना तंदूरी मेयोनीज आई है, बहुत ही बढ़िया। और ये रिफ्रेशिंग ब्लू ओशन मोहितो, वाह ये तो मिंट का टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आ रहा है। दोस्तों मैं रेटिंग वाली बात करूँगा, सबसे बढ़िया क्या लगा मुझे, सबसे बढ़िया लगा बर्गर, और ये पेरी पेरी फ्राइज मुझे भैया बढ़िया मस्ट रिकमेंडेड है, आप ज़रूर आकर ट्राई कीजिएगा। पिज़्ज़ा और ये मोहितो तो हाई रिफ्रेशिंग अच्छा है, पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा है, बट मुझे बर्गर की क्वालिटी और बर्गर का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, मज़ा आया। और सिर्फ 60 रुपये का, चलिए ऑसम यार। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मीम्स स्टोरी में हूँ, काफ़ी ज़्यादा मीम्स वगैरह आपने लगे में देखा, जब भी आप ऐसी जगह पे आते हैं टेस्ट के साथ साथ जो इन्जॉयमेंट होती है ना उससे आपका पैसा वसूल है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टेस्ट तो है ही, मज़ा भी आने वाला है आपको। तो भैया दोस्तों ज़रूर यहाँ पे आइए ट्राई कीजिएगा, मैं आपको लोकेशन और एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो या अपने ब्लॉग के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम करते हैं फिनिश और आप आके ज़रूर ट्राई कीजिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।